हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज ये छोटा सा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर मैं इस चैप्टर का बोला था, आज है 4th लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लेक्चर बड़ा बड़ा आया, थोड़ा लेक्चर कन्फ्यूजिंग रहा होगा आपको, बहुत सारा टर्म का सामना करना पड़ा जिसके कारण कई सारे आपको परेशानियां आई होगी, मुझे पता है। बहुत सारा नया नया टर्म के बारे में आप पढ़े थे, बहुत सारा टर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया। पिछले लेक्चर में भी 7-8 टर्म के ऊपर हम लोगों ने बात किया, तो उस सबको बार बार रिवीजन कीजिए। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। उसको बार बार पढ़िए। जो लोग लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आज हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब ये जो पेड़ पौधा कटा रहा है तो इसको कंजर्व करने के लिए हम लोगों को कुछ स्ट्रेटजी अपनाना होगा, कुछ तरीके अपनाने होंगे, ठीक है। तो उस तरीके के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे आप नेशनल पार्क बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हो। क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सबके ऊपर हम लोग लेक्चर के अंदर बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हो, बहुत सारा लैंड को रिजर्व कर दो, ठीक है। इसमें कोई भी आदमी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इसमें भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत बायोस्फीयर रिजर्व में छूट है। कितना छूट है सबके ऊपर हम लोग लेक्चर में बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब होता है जैसा इन्वायरमेंट में वो जानवर रहता है उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दो इन सीटू, और एक्स सीटू क्या हो गया, उसको पकड़ के कहीं दूसरे जगह पर डाल दो। जैसे जू वगैरह है तो जू आता है एक्स सीटू में, क्या होता है इन सीटू, क्या होता है एक्स सीटू, सबके ऊपर थोड़ी देर में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बहुत सारा लॉन्च हुआ, जैसे लोयन को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए, मस्क डियर को बचाने के लिए। मस्क डियर का बहुत ही एक खास बात होता है कि मस्क डियर का जो स्टमक वाला एरिया होता है उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड का नाम है मस्क ग्लैंड। क्या नाम है? मस्क ग्लैंड। उस ग्लैंड से बहुत अच्छा गंध आता है, एब्डोमेन वाले रीजन में होता है, नेवल और जेनाइटल्स के बीच में होता है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप पेड़ पौधा काटते पकड़े जाएंगे तो क्या क्या रूल्स है, सबके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। आप कहीं भी फालतू का कुछ कर नहीं सकते हैं, सबके ऊपर रूल्स लगा हुआ है, बट रूल्स कितना वैलिड है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। रूल्स वैलिड नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने आप को बस सुधार लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। जो अगल बगल में है उसको समझाइए कि भाई साहब पेड़ पौधा नहीं काटो, नहीं तो झेलना पड़ेगा। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग डालिए स्ट्रेटजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पेड़ पौधा को बचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लिए गए आपको उसके बारे में समझाया जाएगा अभी तुरंत। कॉपी में हेडिंग डालिए स्ट्रेटजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। स्ट्रैटेजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजी लिया गया, ठीक है। मेनली आपको 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट कर दो, ठीक है। क्या है? क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया बना दो।
मतलब इस एरिया में आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया में आप जाकर टगर मगर नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा नहीं काट सकते हैं, डैमेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया। कहीं कहीं पर अलाउ होता है, कहाँ अलाउ होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट करना है, प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग थोड़ी देर में बातें करते हैं। उसके बाद है स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, शिकार करने से बचाना है होगा आपको। स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, शिकार करने से आपको बचाना होगा। ऐसा ना हो कि कोई आदमी आए, चार को जानवर को मार कर ले जाए, बाघ को मार कर ले जाए। बाघ का पूरा बॉडी बिकता भी है, बहुत महंगा बिकता है, उसके कारण बाघ को भी मार दिया जाता है, इवन मस्क डियर को भी मार दिया जाता है बिना काम का, परफ्यूम के लिए। यह सब मानसिकता है लोगों का, ठीक है। उसके बाद है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या? कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या किया गया कि जो भी स्पीसीज है उसको ना घर में उसको पाला जाएगा, घर में मतलब उसको नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा, ठीक है। जो स्पीसीज अगर बाहरी इन्वायरमेंट में रहेगा, बाहरी अगर इन्वायरमेंट में रहा देन वो मर जाएगा, तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल इन कैप्टिविटी, ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा मतलब समझते हैं ना केज, ठीक है। पिंजरा मतलब ऐसा जगह जिसमें कैद करके रखा जाए, कैप्टिविटी का मतलब वही होता है, मतलब कैद करके उसको ब्रीडिंग करवाओ। कैद मतलब घर में पैक करके रखो, मतलब कि घर में उसको पैक करके रखो, अपने सामने में उसको करवाओ ब्रीडिंग, उसका ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन करवाओ उसका, ताकि ऐसा ना हो कि ये खत्म हो जाए। तो ब्रीडिंग वाइल्ड लाइफ, ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, कोई समस्या? ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल इन कैप्टिविटी, हैज सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो क्या करेगा? हैज सेव्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिससे क्या होगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होगा वो बच जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। अरे याद है कि नहीं भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज बताओ? ऐसा स्पीसीज जिसको, जो नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव नहीं करेगा। क्या? नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल होम में सरवाइव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल होम बनाते हैं, उसी को बोला जाता है कैप्टिव ब्रीडिंग। सब बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, सून एक्सटिंक्ट, अगर सेम कंडीशन रहा तो, सेम कंडीशन रहा तो। इसका एग्जाम्पल लिखिए, सबसे पहले मस्क डियर, घड़ियाल वगैरह लिखिए एग्जाम्पल। इसका इसका एग्जाम्पल है मस्क डियर। मस्क डियर के बारे में मैं बताऊंगा आपको, घड़ियाल, घड़ियाल यानी एलिगेटर, जो मगरमच्छ टाइप का होता है, ठीक है, मस्क डियर, टाइगर, ये सब, ठीक है। ये जो मस्क डियर है, ये गढ़वाल हिल्स का, गढ़वाल हिल्स का, ये सब मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इवेन लोयन, ये सबको भी, टाइगर, ये सबको बचाना है, टाइगर को बचाना है, टाइगर मेनली गिर फॉरेस्ट का। मार्कर कहाँ गया भाई? ओके, टाइगर मेनली गिर फॉरेस्ट का। फिर से आज एक ही ब्लैक मार्कर लेकर मैं आ गया, इंक थोड़ी देर में खत्म होगा और हमको भरना पड़ेगा इंक। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। सबसे पहला प्लान क्या है आपका कि प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट कीजिए। नंबर वन, प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट कीजिए मतलब ऐसा एरिया क्रिएट कीजिए जिस एरिया में कोई घुस ना सके। फिर उसके बाद है शिकार करने से बचाइए, और थर्ड है कैप्टिव ब्रीडिंग करवाइए, मतलब घर में रख के उसको नेचुरल हैबिटेट में ब्रीडिंग करवाइए, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में। अगर बाहर उसको रखिएगा तो बाहर का कंडीशन बहुत खराब है, वो खत्म हो जाएगा स्पेसिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। बोर्ड साफ का बड़ा समस्या है भाई, ये साफ ही नहीं होता है। भिंगा कर साफ करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब सबको समझ में आता है, ऐसा एरिया जो बचा कर रखा जाए, जिसमें एंट्री ना हो लोगों का, ठीक है, जिसका हैबिटेट अनडिस्टर्ब हो, अनडिस्टर्ब हैबिटेट, ऐसा ना हो कि उसका घर में जाकर आप उसका घर तोड़ मरोड़ कर दे, ठीक है। उसका घर में आप जाकर कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे सबसे पहला है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व है, ठीक है, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर बैकयार्ड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, दिमाग हिल जा रहा है भाई। बायोस्फीयर रिजर्व, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। हेडिंग डालिए कॉपी में, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क सबसे पहला, उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है आएगा वाइल्ड लाइफ, क्या आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। ये कैसा जगह है, ये प्रोटेक्टेड जगह है, मतलब इस जगह को आपको बचा कर रखना है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब नेचुरल होम उसको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आप जाते हैं ना किसी रिश्तेदार यहाँ, तो जैसा आपका घर है वैसा ही रिश्तेदार का घर होता है, तो सेम टू सेम घर आपको वहाँ मिलेगा। और जैसे अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके आदमी जाता है जेल में, तो उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता, घर उसका डिफरेंट रहता है, तो वही नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, सेम टू सेम वैसा हैबिटेट दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या चीज में, नेशनल पार्क में। कुछ नेशनल पार्क का नाम भी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आप फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधा नहीं काट सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, गाय भैंस को लाकर चरा नहीं सकते हैं, सिर्फ भेड़ वगैरह, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन मतलब काट छाट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप घूम भी नहीं सकते हैं बिना परमिशन के, एंट्री भी आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ भी अलाउ नहीं है, ये सब नॉट अलाउड है। ये सब नॉट अलाउड है, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सब आप कर नहीं सकते हैं, इस जगह पे जाकर हीरो नहीं बनना है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पहला नेशनल पार्क कहाँ बना। तो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है सबको पता है? कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। कुछ नहीं पता है आप लोगों को। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ये सबसे पहला नेचुरल पार्क है, फर्स्ट नेचुरल पार्क इन हमारे भारत देश में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहीं कहीं पर JIMM भी स्पेलिंग रहता है, ठीक है, या JIM भी किसी किसी बुक में रहता है, दोनों रहता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ? उत्तराखंड में है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये 1936 के करीब में इसका स्थापना हुआ था, फर्स्ट नेचुरल फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। कब स्थापना हुआ था? डेट लिखने का मन है तो लिख लीजिए, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बट कोई गारंटी नहीं है, जो मन में आता है एग्जामिनर को वो पूछ लेगा, तो याद भी करके रखिएगा। जैसे एक डेटा के अनुसार 2019 में 104-105 के करीब नेशनल पार्क था हमारे भारत में, नेशनल पार्क 2019 का डेटा है, 20 का डेटा हम आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए अब नीचे वाला रब कर दूं। नेशनल पार्क में आप काट छाट नहीं कर सकते हैं पेड़ पौधा का। चलिए अब कुछ मैं नेशनल पार्क का आपको नाम कुछ एग्जाम्पल मैं अभी लिख देता हूं, ठीक है, कौन से जानवर पाले जाते हैं उस नेशनल पार्क में, और इसको आपको याद कर लेना है, और जो बुक में आपके जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया होगा नेशनल पार्क का वो भी आप याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा सब लिखवा देने का, बट जो जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा उसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है एग्जाम्पल कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? कहां पर है किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो भागिए यहां से। कहां पर है? बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है गधा, दिखता नहीं है, उत्तराखंड में है। इसमें बाघ को रखा गया। क्या चीज को रखा गया? मेनली बाघ को रखा गया, बाघ एलिफेंट इस सब को रखा गया, बाघ को रखा गया, पैंथर को भी रखा गया, और हाथी को सबको रखा गया पकड़ के। ये क्या है वहां पर रखा हुआ है? जैसे कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क सबको पता है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें किसको रखा गया? वाइल्ड टाइगर को रखा गया। किसको रखा गया? वाइल्ड टाइगर को, चिंकारा को रखा गया। ये सब क्या है? जानवर सब है। इस सब का फोटो आप गूगल पे देख सकते हैं। जैसे गिर नेशनल पार्क कहां पर है? ये भी सबको पता होना चाहिए। जितना फेमस है सबका नाम मैं लिखा देता हूं। गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। लोयन को रखा गया इसमें मेनली, जो एशियाटिक लोयन है उसको रखा गया, ठीक है। इसको छापिए फटाक से। जैसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, पैंथर संभर ये सब को भी रखा गया इसमें, पैंथर को भी रखा गया और सांभर को भी। सब क्या है? जानवर सब है, ठीक है। छापिए इसको। सुंदरबन, सुंदरबन में क्या रखा गया? टाइगर रखा गया। जैसे सुंदरबन में क्या रखा गया? टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया सुंदरबन में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। पूरा लिख दो क्या? चलिए छापिए इसको फटाक से। अब हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये भी प्रोटेक्टेड लैंड होता है,
चलिए अब सेकेंड टॉपिक पर आइए, क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये भी एक प्रोटेक्टेड लैंड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल यहां पर भी किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स, और कुछ चिड़िया को भी डाला जाता है, कुछ बर्ड्स को भी डाला जाता है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ये क्या है? प्रोटेक्टेड लैंड है, ये भी प्रोटेक्टेड लैंड है। कैसा लैंड है? रिजर्व है, मतलब आप इसमें कुछ अटर पटर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्टेड लैंड है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल और बर्ड किया जाता है, हंटिंग यहाँ भी आप नहीं कर सकते हैं, शिकार करना यहाँ भी मनाही है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली थ्रेटेंड एनिमल्स को डाला गया, जो एनिमल्स खतरे के निशान पर है, ठीक है, जैसे डक वगैरह, ब्लैक डक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, ब्लैक डक, एलिफेंट, अबे भट ना यार, गोल्डन कैट, मैं पढ़ाते रहता हूँ, मच्छर सब चारों तरफ से लगा रहता है, इसका कोई उपाय नहीं है मच्छर को भगाने का, ठीक है। ब्लैक डक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, ये सब क्या है? इस सब को बचा के रखना। इंडिया में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 550 के करीब है, अभी इंडिया में 550 के करीब है टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रिसेंट डेटा है, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज भी हो गया होगा, ठीक है, इस डेटा को समय समय पर थोड़ा चेंज आते रहता है डेटा पर, क्योंकि बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कुछ नाम मैं सेंचुरी का बताता हूँ, कुछ ऑर्गेनिज्म भी हम लोग लिखेंगे, नेम और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये सबको पता होना चाहिए, भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसमें क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? क्रेन को रखा गया है मेनली, ठीक है, तू आ जा, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, क्रेन को रखा गया है। क्रेन क्या है? पक्षी है, बर्ड है, उसको रखा गया है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है? राजस्थान में है। सेकेंड है रन ऑफ कच्च सेंचुरी, रन ऑफ कच्च सेंचुरी, इसमें गधा सबको रखा गया है, आपको नहीं भेज रहा है कोई, खुद पर ही क्या बताऊं मैं, अरे अपने आप को इतना भी कमजोर नहीं समझो, कोई नहीं भेजेगा इस सेंचुरी में, ठीक है, रन ऑफ कच्च सेंचुरी, ठीक है, ठीक है, रन ऑफ कच्च सेंचुरी कहां पर है ये आपको कमेंट में बताना है। इसमें जंगली गधा को रखा गया है, फ्लेमिंगो को रखा गया है, टॉर्टोइज फॉक्स वगैरह को भी रखा गया है, टॉर्टोइज डेजर्ट फॉक्स। अबे कितना मच्छर है भाई, ऑल आउट जलाने के बाद ये सब मच्छर सो जाता है, उसके बाद फिर उठकर आ जाता है, पकड़ पकड़ कर नाश्ता करता है। जैसे मधुमलाई इंडियन एलिफेंट के लिए है, मधुमलाई कहां पर है? मधुमलाई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, इसमें रखा जाता है भारतीय हाथी को, अगर आप बहुत मोटे हो चुके होंगे तो आपको यहीं भेजा जाएगा मधुमलाई सेंचुरी में, कहां पर है? तमिलनाडु, उसमें आपको भेज दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा कम खाइए। चलिए इसको छापिए तो फटाक से, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में, छापिए। रब कर दूं,
अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ जगहों पर आपको छूट दिया जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में जनरली आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा सा बस छूट मिलेगा आपको। अरे मच्छर कितना परेशान करते हो भाई, पूरा पैर पर नीचे से लपदा हुआ है मच्छर से। फिर थर्ड आता है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है यही बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स भी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यही वो है जो कि फ्लोरा और फौना को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद है कि सब भूल गए। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो एम है, ठीक है, एन नहीं पढ़ लेना। चलिए मेरा एम वो सब ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। ये क्या है? स्पेशल लैंड एरिया होता है, स्पेसिफिक लैंड एरिया होता है, स्पेसिफिक लैंड एरिया होता है, इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड, इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए मल्टीपल लैंड का यूज होता है। जैसे हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है। बायोस्फीयर रिजर्व में इसको मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा जोन जो कोर जोन है, जहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कोर जोन, इसमें आप इंटर नहीं कर सकते हैं, या कह दीजिए इसको नेचुरल जोन, जिसमें आप इंटर नहीं कर सकते, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। यहां पर आप आकर हीरो नहीं बन सकते हैं। फिर आता बफर जोन का मतलब है जिसमें आदमी सब जा सकता, लिमिट ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, इसमें लिमिट एक्टिविटी इज अलाउड, इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और एक आता मैनिपुलेशन जोन, सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है, मैनिपुलेशन जोन, जिसमें बहुत सारा एक्टिविटी अलाउ होता है, सेवरल एक्टिविटी अलाउ होता है, ठीक है, इसमें आप बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं, सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउ, परमिट मिला होता है, परमिटेड होता है, सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है। चलिए इसको आप छाप लीजिए। इंडिया में कितना है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब डेटा थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए जब आप वीडियो देखिएगा, कोई एक साल बाद देखिएगा, कोई दो साल बाद देखिएगा, तो थोड़ा बहुत डेटा में करेक्शन होगा, तो उसको कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि आप दो साल बाद कोई कमेंट करेगा कि आप इतना लिखवाए, पांच गो बढ़ गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं होगा, आप खुद ही होगे। एग्जाम में गलती करके आओगे तो मैं क्या करूँ?
ऐसे एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, समझे, जिसमें थोड़ा बहुत दो चार का वेरिएशन हो। एग्जाम में एक लंबा लंबा वेरिएशन किया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया रहेगा तो एग्जाम में आप सही करके आएंगे। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर में वो दोनों आ जाता है जिसके बारे में मैं आपको पहले बताया था। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है इसमें, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। जहां पर आप काट-कूट नहीं कर सकते, कोर जोन वगैरह में आ जाता है, बफर जोन सब में, ठीक है। अब हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिखते हैं और उसका कुछ लोकेशन लिखते हैं। चलिए, क्या बात है, बोर्ड फिर से भींग गया। चलिए, एक साइड लिखिए बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और एक साइड लिखिए उसका लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जैसे नीलगिरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सबके अगल बगल में पाया जाता है। नीलगिरी कर्नाटका पैट, ठीक है, ये तीनों रीजन में पाया जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल वाले रीजन में पाया जाता है। जाइए मैप पकड़ के देखिए कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मैप में आपके बुक में एक मैप दिया होगा जिसमें दिखाया गया होगा। सेकेंड आता है नंदा देवी, कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जैसे उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा कहाँ है, असम में है, काजीरंगा असम में है, ठीक है। ये सब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। रुक जाइए मैं बुक लेकर आता हूँ, बुक कहाँ है, कुछ और एग्जांपल लिखवा देते हैं। क्या लिखवा रहा था अभी, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सही है। नंदा देवी कहाँ है, यूपी में है, उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर है, वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड कहाँ है, यूपी में, जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर है, फूल का बहुत सारा बगान वगैरह है, और भी बहुत सारा आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, जिसको आप लिख लीजिए। जैसे कान्हा नेशनल पार्क, कुछ कुछ तो पहले ही मैं लिखवा दिया था, और जो जो आपके बुक में दिया होगा उसको लिख लीजिए। जैसे काजीरंगा कहाँ है, असम में है, ठीक है, हो गया, चार हो गया। अब कितना लिखवाऊ, अब जो जो एग्जाम्पल बचा वो आप अपने बुक से लिख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट था सब मैं आपको लिख कर दे दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन के बारे में, कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। चलिए, कंजर्वेशन, फर्स्ट वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज
एक सीटू कॉन्जर्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सीटू कॉन्जर्वेशन क्या होता है। नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं घर जैसा। अगर होम घर जैसा पूरा कंडीशन दिया जाएगा देन उसको हम बोलते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। जैसा आपका घर है वैसा आप रिश्तेदार यहाँ जाइएगा तो मिल जाएगा। ये रिश्तेदार के समान है। कौन है? रिश्तेदार है, ठीक है, ये रिश्तेदार है। अगर गड़बड़ सरबर घोटाला करके जाइएगा तो जेल में जाना पड़ेगा, तो यही जेल है, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट कंजर्वेशन है, वो आउटसाइड देयर हैबिटेट कंजर्वेशन है, ठीक है, आउटसाइड देयर हैबिटेट। घर से बाहर जैसा कंडीशन दिया जाएगा कंजर्व करके रखने में, घर से बाहर जैसा कंडीशन, ठीक है। जैसे जू वगैरह में दिया जाता है, जू, बोटनिकल गार्डन, ये सब इसका एग्जांपल क्या है? जू, जू मतलब जिसको आप देखने जाते हो, टूरिज्म के लिए होता है। जैसे बोटनिकल गार्डन क्या होता है? बोटनिकल गार्डन हम लोग थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। बोटनिकल गार्डन जहाँ पर बहुत सारा प्लांट वगैरह होते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगा। जैसे सीड बैंक, सीड बैंक होता है, सीड बैंक होता है जहाँ पर मल्टीपल सीड पाए जाते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहाँ पढ़े थे? भूल गए? क्लास सेवेंथ में पढ़े थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में, सब भूल भाल गए ना। बट पॉलन स्टोरेज, पॉलन क्या है? मेल गैमिट। किसका? प्लांट का, प्लांट में कहाँ पाया जाता है? प्लांट का तो सबको पता है कहाँ पाया जाता है, फूल में, ठीक है। मेल गैमिट है पोलन, पोलन को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, पोलन को स्टोर करके। नेचुरल हैबिटेट, होम जैसा हैबिटेट देकर जो कंजर्वेशन होता है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में होम जैसा कंडीशन दिया जाएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी जो बना दिया जाता है उसमें भी घर जैसा कंडीशन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में भी इवन होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जितना अभी आप पढ़े हैं, क्या चीज के बारे में आप पढ़ लिए हैं? नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिए हैं। नेशनल पार्क कैसा है? घर जैसा कंडीशन दिया जाता है, उसका अपना घर है। बायोस्फीयर अपना जैसा है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब अपना घर जैसा है। अब आता है बाहरी जैसा, जेल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक सीटू कंजर्वेशन मतलब पकड़ के दूसरे के घर में भेज दो, ठीक है, दूसरा जैसा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग जेल में चलते हैं घूमने। अरे जेल में नहीं जाना है घूमने, ऐसा नहीं कि कुछ किसी का हत्या कर देना, जेल में घूम कर आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा माहौल है। एक आदमी था, वो क्या किया ना, उसको सब समझा दिया कि भाई साहब अगर किसी आदमी को मार दोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और जेल में खाना पीना सब तुमको अच्छा से मिलेगा, कुछ भी काम उम नहीं करना होगा, आराम से खाना पीना सोना। तो वो आदमी क्या किया, मार दिया एक आदमी को और वो आराम से जेल चला गया। और जब पुलिस उससे पूछा तो समझाया, पुलिस को बताया जो वो आदमी हमको समझाया था कि आदमी का अगर हत्या कर देगा तो तुमको जेल में रख देंगे और जेल में बहुत मजा आएगा। वो आदमी वही जवाब दिया था, ठीक है, पुलिस जब पूछा तो ऐसा भी होता है अपने यहाँ। ऐसा एक आदमी नहीं करता, बहुत आदमी करता है, थोड़ा बहुत चढ़ा लेता है और कुछ भी कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं एक सीटू कंजर्वेशन के बारे में। तुम लोग तो समझदार हो, ठीक है। एक सीटू मतलब घर से बाहर जैसा कंडीशन, आउटसाइड देयर हैबिटेट। क्या है? आउटसाइड देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब घर से बाहर जैसा। आउटसाइड देयर हैबिटेट सबसे पहला है पार्क, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्यों होता है? टूरिज्म के लिए होता है। पार्क केज इनक्लोजर होता है, पार्क होता है केज में सब चीज बंद होता है, पिंजरा में बंद रहता है, इनक्लोजर रहता है,
ठीक है, पूरा पैक करके रखा रहता है। उसमें क्या है, लाइव एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब जिंदा एनिमल्स पाया जाता है इसमें, जिंदा एनिमल्स जैसे लोयन टाइगर वगैरह, घड़ियाल भी पाया जाता है फॉर आदमी को देखने के लिए, फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, आदमी को देखने के लिए। और इसका एक और काम है कि लोगों को अवेयर करता है, अवेयर करता है नेचर को कंजर्व करने के लिए, अवेयर करता है नेचर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ऐसा आपके बुक में लिखा मिलेगा। ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये क्या करता है, अवेयर करता है कि नेचर को आप कंजर्व करो, ठीक है। अब आता है बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, ठीक है, ठीक है। इसका इसमें क्या किया जाता है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये कैसा होता है, बड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें मेनली प्लांट को रखा जाता है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जिसमें प्लांट तरह तरह के प्लांट को गिराया जाता है, एस्टैब्लिश टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। एस्टैब्लिश्ड क्यों किया गया, टू कंजर्व रेयर, रेयर मतलब जो प्लांट खत्म हो रहा है, एंड थ्रेटेंड प्लांट, थ्रेटेंड प्लांट जो प्लांट खत्म होने वाला है उसको यहां पर पकड़ के रखो ताकि खत्म ना हो जाए। क्यों रखना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेनली तीन उद्देश्य है। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल, अगर किसी को प्लांट के बारे में पढ़ना है तो आप चले जाइए बोटनिकल गार्डन में, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज, साइंटिफिक पर्पज होता है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जाकर पढ़ सकते हैं। ऑर्नामेंटल भी होता है, देखने में सुंदर लगे, ऑर्नामेंटल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्बोरेटम के बारे में, छाप लिए, फटाक फटाक छापते रहिए, मजा आ रहा है पढ़ने में कि एकदम नहीं आ रहा है, कई लोग सोच रहे होंगे कितना स्पीड पढ़ा रहे हैं, लटका दूंगा उल्टा करके, अगर ऐसा सोचोगे तो सोचना मना है, जो मेरा मन करेगा वो मैं करेगा, तुम बोल नहीं सकता। आर्बोरेटम, कई लोग बोलेंगे मैं वीडियो डिसलाइक मार देगा, ठीक है। आर्बोरेटम, इसमें ट्री श्रब्स हर्ब सबको कल्टीवेशन किया जाता है, ट्रीज श्रब्स हर्ब्स इस सब का खेती किया जाता है। ट्री क्या है, बड़ा सा पेड़, बिग प्लांट। श्रब्स क्या है, मीडियम प्लांट। हर्ब क्या है, स्मॉल प्लांट। बिग प्लांट का एग्जांपल क्या है, मैंगो, लीची, कई लोग ये सब भूले होंगे। मीडियम प्लांट का रोज वगैरह, और छोटा प्लांट का ग्रास वगैरह मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो ट्री श्रब्स हर्ब्स इस सब का कल्टीवेशन किया जाएगा, इसका भी पर्पज है साइंटिफिक और एजुकेशनल। उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, दो पर्पज है, फर्स्ट वन इज साइंटिफिक पर्पज और सेकेंड वन इज एजुकेशनल, ताकि आप कुछ कुछ जाकर उसके बारे में पढ़ सकें। अब आता है सीड बैंक, जहां पर सीड रखा होगा जिस बैंक में, उसको हम बोलते हैं सीड बैंक। एक इंस्टीट्यूट है जो डेट मेंटेन स्टॉक ऑफ वायबल सीड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है जिसमें सीड को रखा जाता है, सीड को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। डेट मेंटेन स्टॉक ऑफ वायबल सीड क्या है, सीड बैंक है। चलिए अब आता है स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, यही था एक सीड टू कंजर्वेशन, बस इतना पढ़ना था आपको, ठीक है। एक ऐसा सीड बैंक बनाया गया है जो कि बर्फ वाले रीजन में बनाया गया है, छुपाकर, छुपाकर मतलब ऐसा जगह पे बनाया गया है जिसके बारे में किसी को बहुत ज्यादा खबर नहीं है, मतलब खुफिया टाइप का बनाया गया बर्फ के अंदर। अगर मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हो जाए, सब खत्म हो जाए, तो सबका गैमिट, प्लांट एनिमल्स प्लांट सबका सीड रखा गया, एनिमल सबका गैमिट, ताकि अगर सब मर जाए फिर भी तैयार किया जाए वर्ल्ड वॉर अगर हो जाए तब, ठीक है। साइंटिस्ट तो अपना उपाय में लगे ही रहते हैं, ठीक है।
चलिए स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, तू सुखते रहब 2 घंटे सुधार नहीं सकता है। स्टेप टू रेगुलेट हंटिंग, हंटिंग को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप है? स्ट्रिक्ट लॉ लगा दो, जानवर को मारिएगा तो जेल जाइएगा, नहीं मार सकते हैं आप। इंडेंजर्ड स्पीसीज पर बैन लगा दो पूरा, इंडेंजर्ड स्पीसीज पर बैन लगा दो, ठीक है। आप जानवर सबको मार नहीं सकते हैं, जो खत्म होने वाला है उस पर पूरा बैन है, प्रतिबंध है। वाइल्ड एनिमल को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर है उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप बाधा नहीं डाल सकते हैं, डिस्ट्रक्ट उसको नहीं कर सकते हैं। और लोग को अवेयरनेस फैलाइए कि ये जानवर को बचा के रखिए, फटाफट छापिए इसको, जल्दी से छापिए, तो जल्दी जल्दी छापिए। अब हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट भी आया है। आप जंगली जानवर को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। आप जंगली जानवर को बेवजह कुछ भी कर नहीं सकते हैं, जैसे आया था गिर लॉयन प्रोजेक्ट, ठीक है, गिर लॉयन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लॉयन। क्यों आया? टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लॉयन, जो शेर है उस एशिया में पाए जाने वाला, उसको आप मार नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ गिर लॉयन पाया जाता है? गुजरात में, तो गुजरात सरकार ही इसको स्टार्ट किया होगा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टार्ट किया 1972 ईस्वी में, 1972 में, ठीक है। जैसे सेकेंड आया था प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब बाघ को बचाने के लिए, बाघ को मार दिया जाता था खेल वगैरह के लिए, खेल स्किन बॉडी पार्ट के लिए किल किया जाता था, स्किन के लिए, स्पॉट के लिए, बॉडी पार्ट, उसका जो बॉडी पार्ट है वो बड़ा महंगा बिकता है बाघ का, तो इसके लिए इसको मार दिया जाता था, जिसके कारण क्या होने लगा, बाघ खतरे के निशान पर जाने लगा, बाघ में एक्सटिंक्शन आ गया, वो एक्सटिंक्ट होने लगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार लगाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर दिया कि आप नहीं मार सकते, ये भी उसी टाइम का, ठीक है, उसी समय ये रूल लगा था, 1972 में ये रूल आया, तो 1973 में टपाक से ये डाल दिया गया। उसके बाद 23 को टाइगर रिजर्व बनाया गया, टाइगर रिजर्व 23 नंबर, ठीक है। छापिए इसको फटाक से। उसके बाद आया क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, थर्ड आया क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, मतलब आप मगरमच्छ को मार नहीं सकते। इनिशिएट कहाँ से हुआ था? इनिशिएट ये हुआ था तिकेरापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, तिकेरापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा,
इसका भी वही टाइम पीरियड था 1975 के करीब, ठीक है। चलिए अब आया था हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट। मस्क डियर प्रोजेक्ट, मेल जो मस्क डियर होता है, मस्क डियर एक भेड़ का ही, सॉरी भेड़ बोल दिए, क्या है, हिरण का प्रजाति है। प्रेजेंस ऑफ मस्क ग्लैंड, क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ मस्क ग्लैंड। इसके पास एक मस्क ग्लैंड पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गंध देता है, मतलब सुगंध देता है, दुर्गंध नहीं, सुगंध, परफ्यूम इससे बनाया जाता था। वो मेनली पाया जाता है, ये पाया जाता है मेल के पास, ठीक है। मेल का जो स्टमक वाला रीजन होता है अंडर द स्किन ऑफ एब्डोमेन, ये पाया जाता है कहां पर, अंडर द स्किन ऑफ एब्डोमेन, कहां पर एग्जैक्ट कहां पाया जाता है, नेवल और जेनाइटल्स के बीच में, बिटवीन नेवल एंड जेनाइटल्स, नाभि और जेनाइटल्स के बीच में पाया जाता है अंडर द स्किन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। उससे क्या होता था, परफ्यूम बनता था। चलिए हो गया। अब आया था राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी, राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसमें इंडियन राइनो को बचाना था। असम में इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में, असम में इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 के करीब, हाँ सही है। चलिए अब आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, छाप रहे हो ना अच्छे से, कई लोग सोच रहे होंगे कि छापने का तो समय ही नहीं देते, अरे समय क्या दूं मैं, वीडियो पॉज करो और धरा धर छापो, छापना अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है छापना। चलिए 6 नंबर है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया था, इसको कहा गया था लॉन्च करने के लिए, रेकमेंड किया गया था, मतलब कहा गया था, सलाह दिया गया था IBWL के द्वारा, किसके द्वारा, IBWL के द्वारा। IBWL क्या, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसका फुल फॉर्म है। ये क्या किया, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसको सलाह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कर सकते। दो एरिया को इसमें मेनली कवर करना था, दो एरिया को कवर करना था, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा हाथी पाया जाता है उसको कंजर्व करो, पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इज हाई, जहां पर हाथी का संख्या बहुत है उसको बचाओ, और पॉपुलेशन जहां का कमते जा रहा है, लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है, उस एरिया को बचा लो, रिड्यूस हो रहा है, जहां का पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है पिछले कुछ बीते साल में, रिसेंट ईयर में, ठीक है। छापिए इसको, छापिए। अब हम लोग बात करते हैं लीगल प्रोविजन के बारे में, कुछ लॉज आए जिसके थ्रू आप पेड़ पौधा को, जानवर सबको नहीं मार सकते हो। लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लीगल प्रोविजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कुछ लीगल प्रोविजन है, दो प्रोविजन है। सबसे पहला है, सबसे पहला 1972 में आया, फिर 1980 में आया,
जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आया था 1980 में, 72 वाला हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें क्या कहा गया, टू क्रिएट एंड कंजर्व, आपको कंजर्व भी करना है और क्रिएट भी करना है। टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट जो बना हुआ है उसको आपको मैनेज करना है, उसको मैनेज करके रखना है, पर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मैनेज करके रखना है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मैनेज करके रखना है, इवन विलेज फॉरेस्ट को भी मैनेज करके रखना है। गांव में जो जंगल है, गांव का भी पेड़ पौधा आप काट नहीं सकते हैं। टू कंजर्व फॉरेस्ट एज ए नेचुरल हेरिडिटी, हेरिटेज मानिए, टू कंजर्व फॉरेस्ट एज ए नेचुरल हेरिटेज, टू कंजर्व फॉरेस्ट फॉर अ नेचुरल हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है संपत्ति, प्राकृतिक संपत्ति, ये नेचर का संपत्ति समझ के पेड़ पौधा को नहीं काटी है, नेचर का संपत्ति। अगर आपके पास जितना ज्यादा पेड़ रहेगा उतना ज्यादा पैसा वाला आदमी बनिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास पेड़ रहेगा उतना ज्यादा पैसा, एक पेड़ का कीमत बहुत हाई हो गया है अब, ठीक है, लाखों में पेड़ बिकता है, बट नहीं बेचना चाहिए कुछ पैसों के लिए, ठीक है। टू कंजर्व फॉरेस्ट फॉर ए नेचुरल हेरिटेज मतलब पैतृक संपत्ति के तौर पर यूज किया जाएगा, पैतृक नहीं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संपत्ति के तौर पर, पैतृक मतलब अपना हो जाता है, तो अपना ही है, आपका है, लेकिन आपका पैतृक है, बस उसको आप मानिए कि नेचर का है, ठीक है। कैटल ग्रेजिंग से उसको कंट्रोल करना होगा, बिना बात का भेड़ बकरी से नहीं चरवा देना है पेड़ सबको, बट ऐसा देखा जाता है। अब सेकेंड लॉ आया, सेकेंड प्रोविजन क्या है देखिए, सेकेंड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, यह आया था 1972 में, वो कितना में आया था, 1980 में आया था। इसमें क्या किया गया, प्रोहिबिट कर गया, प्रोहिबिट लगा दिया गया थ्रीटेंड स्पीसीज को, थ्रीटेंड स्पीसीज को मतलब ऐसा स्पीसीज जो खत्म हो रहा है उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, अगर पकड़ाइएगा तो जेल में जाइए सलमान खान की तरह। सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क लगाइए और उसको मैनेज कीजिए, ठीक है, नेशनल पार्क और भी बहुत सारा चीज लगाइए, सेंचुरी रिजर्व सब बनाइए, ठीक है, सेंचुरी, सेंचुरी यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व भी बना लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाइए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाइए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग, और क्या कीजिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग, जो जानवर खत्म हो रहा है उसको पालकर घर में उसका ब्रीडिंग करवाइए, मतलब बच्चा पैदा करवाइए ताकि वो अस्तित्व में रहे। प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड नेचुरल हैबिटेट, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, जो प्लांट खत्म हो रहा है खास खास प्लांट उसको बचाइए, पकड़ के रखिए, एंड नेचुरल हैबिटेट, और ये जो नेचुरल हैबिटेट है प्राकृतिक जो घर है उसको मेंटेन करके रखिए। नेचुरल हैबिटेट किसका, जानवर का, ऑफ एनिमल्स। चलिए यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए, ओलंपियाड का लगाइए, सब बन जाएगा।
ठीक है, बहुत सारा चीज मैं आपको पढ़ाया, काफी अंदर में मैं घुसकर पढ़ाया, काफी डीप में पढ़ाया। आज का लेक्चर तो बहुत स्पीड में निकला है, ठीक है। इस लेक्चर को भी मैं 1.5 घंटा चाहता तो कर सकता था, बट थोड़ा स्पीड में खींच दिया, बिकॉज इसमें समझाने का कुछ था ही नहीं, सब आपको रटना है, जो जो समझाना था सब मैं आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको बैठ के याद तो पूरा 100% आपको नहीं होगा, कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ जाइए पूरा नोट्स को, ठीक है। 10 बार पढ़ जाइए, बहुत टाइम तो लगेगा नहीं, लगभग फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो 2 घंटा लगेगा, उसके बाद 1 घंटा, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके पढ़ जाइए, 10 बार 20 बार ऐसा पढ़िए जो पूरा आपका पूरा याद हो जाए, ठीक है। और जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उसको पूरा पूरा रटते चलिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। आपको समझ आ गया होगा अब तक कि पेड़ पौधा को क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधा जितना भी है सबको बचा के रखिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।